क्या लोगों को जल्द ही देखने को मिल सकता है फिल्म आरआर का ट्रेलर? अपने ट्विटर पोस्ट से किस तरफ इशारा कर रहे हैं इस फिल्म के मेकर्स? क्या फैंस को रामचरण के किरदार से रूबरू कराने के बाद जूनियर एनटीआर के किरदार से मिलवाने वाले हैं फिल्म के मेकर्स? फिल्म के निर्देशक ने आलिया भट्ट को इस फिल्म का हिस्सा बनाने का फैसला क्यों लिया? क्या यह फिल्म तोड़ देगी बाहुबली के सारे रिकॉर्ड? इस वीडियो में है इस फिल्म से जुड़ी सभी जानकारी। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यह फिल्म एक फिल्म के नाम पर अजूबा होने वाली है, जिसमें कई सारे उम्दा अभिनेता और अभिनेत्री नजर आने वाले हैं, जो अपने फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों में से एक है। फिल्म के निर्देशक राजा मौली ने काफी सोच विचार कर इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया है। यह एक बड़ी बजट फिल्म होगी, जिसका बजट बाहुबली फिल्म के बजट से भी ज्यादा हो सकता है। राजा मौली हमेशा ऐसे ही अलग तरीकों के फिल्म के लिए चर्चा में बने रहते हैं। बाहुबली फिल्म के आने के बाद तो पूरी दुनिया में उनकी चर्चा हो गई। यह फिल्म उनके लिए काफी भाग्यशाली साबित हुई। इस फिल्म की वजह से उनके करियर में भी चार चांद लग गए। अभी वो अपनी फिल्म आरआर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में साउथ के दो बड़े अभिनेता रामचंद्र और जूनियर एनटीआर मुख्य किरदार में नजर आएंगे। उनके साथ ही बॉलीवुड से अजय देवगन और आलिया भट्ट नजर आ रही हैं। फिल्म में एनटीआर के ऑपोजिट काजल अग्रवाल को दिखाया जाएगा और रामचंद्र की प्रेमिका के रूप में आलिया भट्ट नजर आएंगी, जिनके किरदार का नाम सीता होगा। वहीं अजय देवगन के ऑपोजिट अभिनेत्री श्रिया सरन नजर आएंगी। इस फिल्म में उनका कैमियो रोल होगा, जो कि अजय देवगन की पत्नी के किरदार में होंगी। इसमें पहले भी वो फिल्म दृश्यम में उनकी पत्नी का किरदार निभा चुकी हैं। फिल्म में हॉलीवुड की भी कुछ जाने माने कलाकार शामिल हुए हैं। यही बात इसको अलग बनाती है कि तीन अलग अलग इंडस्ट्री के लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। देश में चल रहे महामारी की वजह से इस फिल्म की शूटिंग को बीच में ही रोक दिया और खबरों की मानो तो बस कुछ ही दिनों में फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू हो जाएगी। इस फिल्म की टीम पूरी तरह से फिर से काम करने के लिए तैयार है। सारे स्टाफ की सही तरीके से चेकअप करा दिया गया है और उनको क्वारंटीन भी कर दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे। इस फिल्म की टीम ने फैंस को कोई सरप्राइज देने के बारे में ट्वीट किया था। इस फिल्म के लिए लोगों को काफी लंबे समय से इंतजार था और वो लगातार फिल्म से जुड़े अपडेट की मांग करते रहते थे। पहले भी फिल्म मेकर्स ने जल्द ही उन्हें ट्रेलर रिलीज करने का वादा किया था, लेकिन ट्रेलर पर नाम ना होने की वजह से फिर से ऐसा हो नहीं पाया। फिल्म मेकर्स ने लोगों को कहा कि उनका इंतजार करना बेकार नहीं होगा, जल्द ही वो लोग एक नए सरप्राइज लेकर आएंगे। इससे पहले जब फिल्म से जुड़ी जानकारी की बात हुई थी, तब लोगों को रामचरण के किरदार की झलक दिखाई गई थी, तो लोगों को उम्मीद है कि इस बार जूनियर एनटीआर के किरदार की झलक दिखाई जाएगी। ट्विटर के उस पोस्ट से तो लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि फिल्म को ट्रेलर रिलीज किया जा सकता है, लेकिन इस बात की कहीं से भी कोई खबर नहीं। तो इसका मतलब यह है कि फिल्म के दूसरे किरदार से भी एक एक करके रूबरू कराया जाएगा। फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू करते ही धीरे धीरे सारे स्टार का सेट पर आना शुरू कर देंगे। फिल्म का स्केड्यूल 2 महीने का रखा है, जिसमें निर्देशक फिल्म का बचा सारा सीक्वेंस शूट करेंगे, जहां किसी को भी छुट्टी नहीं दी जाएगी और लगातार इस पर काम किया जाएगा। फिल्म में आलिया भट्ट पर भी काफी अहम किरदार है। बॉलीवुड में कई बेहतरीन अभिनेत्री हैं, लेकिन निर्देशक की पसंद आलिया भट्ट की है। इसके बारे में पूछने पर राजा मौली बताते हैं कि वो एक स्टूडेंट की छवि को सही तरीके के बयान करने वाली अभिनेत्री की तलाश में थे, जिसमें एक मासूमियत की झलक दिखती हो और बिल्कुल सीधी साधी नजर आए, जिसकी स्क्रीन पर ऐसी ही छवि को बयान करने जैसे उन्होंने इस किरदार के लिए सोचा है। इस हिसाब से उनके दिमाग में आलिया भट्ट का चेहरा फिट बैठ रहा था, जो इस किरदार को बखूबी निभा सके। वो बताते हैं कि आलिया अपने सीन की शूटिंग अप्रैल के महीने से करने वाली थी, लेकिन इस महामारी की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। जल्दी उनको फिल्म के लिए नई तारीख दी जाएगी, जिसमें वो अपने हिस्से की शूटिंग पूरी करेंगी। निर्देशक बताते हैं कि यह फिल्म बहुत बड़ी होने वाली है, बाहुबली फिल्म से भी ज्यादा बड़ी। अब देखते हैं कि यह फिल्म बाहुबली फिल्म से जैसे लोगों के दिलों में जगह बना पाएगी या नहीं। इस फिल्म के आने से बाहुबली के सारे रिकॉर्ड तोड़ नया रिकॉर्ड बनाने में सफल होगी या नहीं। यह काल्पनिक कहानी होगी, जो पुराने समय में दो महान स्वतंत्र सेनानी की कहानी बताएगी। देखते हैं इस फिल्म में इतिहास से जुड़े किस किस पहलू के बारे में बताया जाता है। आप इस फिल्म के लिए कितने
उत्साहित है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ बॉलीग्राड स्टूडियोज पर।